जय जगन्नाथ। पवित्र पुरी सहर और पुरी जिलार समस्त सूचना और संवाद भित्तिक कार्यक्रम दृष्टि को मुर जलिन आपण मानक स्वागत जनाउछि। आजिर मुख्यांशरी श्रीमंदिर भक्तों प्रवेश प्रसंग पंचम पर्याय प्रशासन पक्षर स्थिरकृत संगठन और व्यक्ति संग्रह करागला मतामत। बगल जमी बिक्री प्रसंग राज्य सरकार स्पष्टीकरण लोड़े मान्यवर हाइकोर्ट नवेम्बर 2 तारिखें हे परवर्त शुणा। बाली नोड़िया साहिरे अबकारी चढ़ाऊ दुई महिला समेत 5 अभियुक्त गिरफ विपुल परिमाणर पुच्छ जबत एवं एथसह अन्यान्य खबर। सर्वसाधारण एवं भक्त मानी श्रीमंदिर खोल जा संपर्क में राज्य सरकार और श्रीमंदिर प्रशासन पूर्व सूचना प्रदान कर निर्दिष्ट व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से मतामत संग्रह करु। जो मानु मतामत संग्रह करण भक्त प्रतिनिधि कि बोली प्रश्न उठी। निजर इच्छा को प्रशासन अन्य तुंडे कहूँ अभियोग होता बेले यहाँ केन्द्रक भविष्य में बहु असंतोष और समस्या उपजार आशंका सृष्टि। गुरुवार दिन विचार विमर्श प्रक्रिय पंचम दिवस अपराह गोटाए समय जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपप्रशासक बलवंत सिंह 8 अणसरकारी संस्था और 10 जन नागरिक मतामत संग्रह करते। करोना कटकणा पालन कर श्रीमंदिर को भक्त को छड़ा निम्ते किसी व्यक्ति गुरुवार दिन मत उपस्थापन कर सूचना मिली। स्वशक्ति जागरण मंच मुख्य शरद जय सिंह, भारत विकास परिषद प्रांत संपादक पूर्णचंद्र खुंटिया, पुरी सेवा समितर सहसंपादक सौमेन्द्र दास, श्रीजगन्नाथ भक्त सेवा संस्थार संस्थापक गोविंद चंद्र महांती, साई भाईर कार्यकारी सभापति ब्रजबंधु महाराणा, संपर्क अनुष्ठान प्रतिनिधि अश्रुज्योति महांती, स्वदेशी जागरण मंचर कार्यकर्ता सचिनंदन दास, पुरी रोटरी क्लबर सभापति प्रमोद कुमार आचार्य, बेयरफुट्र संपादक जुवव्रत कर, गोवर्धन पीठर मुखपात्र मनोज रथ, कथाकार बद्री मिश्र, बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक, आईनजीवी पूर्णचंद्र दास, श्रीजगन्नाथ संस्कृत प्रचारक डॉक्टर नरेश चंद्र दास एवं पुरी लेखक सामुख्यर संपादक कृष्णचंद्र रथ प्रमुख मत प्रदान कर आलोचन। पूर्व निज निजर मत प्रदान कर श्रीमंदिर परिचालना समितर 4 सेवक प्रतिनिधि पुनर्बार रही बेले श्रीमंदिर वरिष्ठ अधिकारीगण अंशग्रहण करते। बगल धर्मशाला जमी विक्रय विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी पक्ष बुधवार पूर्वाह्न सिंहदार सम्मुखु आरंभ होता पदयात्रा खरा और वर्षा को खातिर नक नवीन नवास उद्देश्य माड़ चली गुरुवार सन्धार परिलक्षित होती। जमी दुर्नीतिर तदन दाबी ओडिशा हाइकोर्ट में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता डाक्टर संबित पात्र दाखल कर मामलें राज्य सरकार को जवाब दाखल करने निम्ते मान्यवर हाइकोर्ट निर्देश जारी करते। आसंता नवेम्बर 2 तारिख दिन पूर्व यह संपर्क में दाखल होता समस्त मामलों एकत्र शुणी कर सूचना जना। पुरी जिला अबकारी अधीक्षक अमरेन्द्र जेना का निर्देश क्रमे पुरी मोबाइल स्क्वाड पक्षर चढ़ाव कर बाली नोलिया साहिर 2 जन महिला समेत 5 जन अभियुक्त को गुरुवार दिन गिरफ्त कर। अभियुक्त मानक प्राय 600 लिटर पुच्छ और 13 लिटर बेआईन देशी मद जबत कर। अबकारी सब इन्स्पेक्टर वंदना पट्टनायक, एएसआई एन जागिन राव और गीतांजलि बेहरा नेतृत्व में यह चढ़ाव कर। अक्टोबर 15 तारीख गुरुवार आश्विन मल कृष्ण चतुर्दशी प्रत्युष 5:37 समय भीतरश सेवकों द्वारा श्रीमंदिर सिंहद्वार भिता नीति संपन्न करम अनुजाई श्रीमंदिर अन्य नीतिकांति मान अनुसृत हो राम मुहूर्त संपन्न कर मंगलप्रद दृश्य उपस्थापना खास सृष्टि श्रद्धा दर्शक मान निम्ते। जय जगन्नाथ। सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि।
चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभ देवा गर्भ चंद्र सूर्य विलोकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश पर अक्टोबर 16 तारीख दिन 74 वर्ष रे पदार्पण करिवे ओडिसा रा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जन्मदिवस परिप्रेक्ष्य दृष्टि परिवार पक्षरु अजस्र शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करिवा सह नवीन बाबूंक दीर्घ निरामय जीवन कामना करूछु। ओडिसा रा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 73तम जन्मतिथि परिप्रेक्ष्य पुरी रा भास्कर्य शिल्पी सिद्धर दास जनसाधारण को कोरोना कटकणा को निश्चय मानिबा निमन्ते मुख्यमंत्री का अनुरोध माध्यम रे वार्ता प्रदान करछन्ती। यह आनिमेसन को प्रस्तुत करने निमंत शिल्पी को प्राय एक घंटा समय लगी। श्रीमंदिरे रोहिणी कुंड दीप दोकान रोषघर चुली और पाड़ी आदि विभिन्न समय विक्रय बंधक और निलाम आदि होता शुणाऊ। श्रीमंदिर भाई एक प्रसिद्ध उपासना स्थल व्यवसाय चलता श्रीजगन्नाथ संस्कृति प्रति अपमान बोली सूचना अधिकार कर्मी जयंत दास विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम पोस्टिंग कर संपर्क में संस्कार आवश्यक या से निजर मतामत दर्शाई। अक्टोबर 15 तारीख को समग्र विश्व में हाथ धुआ दिवस भाव पालन विश्व हाथ धुआ दिवस एक अभियान जहां जीवाणु मुक्त रहा हाथ धुआ अभ्यास को प्रोत्साहित करमें विश्ववासी को प्रेरित करे। चलित बर्ष एक दिवस विषय था हाथ धुआ और खाद्य मध्य संपर्क अर्थात खाद्यपेय स्वच्छता और पोषण पर फोकस कर खाद्य को निरापद रोगमुक्त एवं पिला को निरोगी रखा दिगरे हाथ धुआ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे। स्वच्छ हाथ सुस्थ रहबार एक उपाय यह प्रति भोजन पूर्व हाथ धोवाई आमको मन पकाए। 2008 मसीह स्टॉकहोम ठार अगस्ट 17-23 मध्य अनुष्ठित वार्षिक विश्व जल सप्ताह अवसर में जन्म नहीं विश्व हाथ धुआ दिवस मिलित जातिसंघर साधारण सभार तारीख निर्धारण होगा पर ही वर्ष अक्टोबर आज दिन अर्थात 15 तारीख में यह दिवस प्रथम पालन करू समग्र विश्व यह पालन कर एक अभियान चली श्वास डायरिया भली रोगर शिशु मृत्युहार ह्रास करने उद्देश्य यह अभियान आरंभ होता सफा सुतरा रहा स्वास्थ्यकर परेश पानी स्वच्छता आदि उपर यह दिवस फोकस कै चलित बर्ष विश्व महामारी करोनार संकट को दृष्टि रखी यह दिवस गुरुत्व आहुरी बढ़ जाए। करोना भाइरस दूर रहा साबुन में हाथ धोवा दिगरे विशेष गुरुत्व दिजाऊ विश्व हाथ धुआ दिवस अवसर में समस्ते उत्तम भाव बारंबार निजर हाथ धो सुस्थ रहा निम्ते आम दृष्टि परिवार पक्षर नवेदन करूछ। अक्टोबर 14 तारीख दिन बुधवार समग्र राज्य 2470 जन नूतन करोना आक्रांत को चिन्हट कर पुरी जिलार 87 जन आक्रांत चिन्हट होते तेरे संवाद लेखा समय गुरुवार संध्या पर्यंत पुरी सहर समेत जिलार केऊ अंचल केते जन आक्रांत को चिन्हट कर से संपर्क में कौन से सूचना आमर हस्तगत होना पुरी जिला प्रशासन सूत्र सूचनार जना जाए जिले एपर्त 109,303 नमूना परीक्षा कर से मध्य 11,591 जन पॉजिटिव चिन्हट होते नमूना पॉजिटिव रो हार 10.6% आक्रांत मान 10,688 जन सुस्थ होती और 72 जन दुखद मृत्यु घटे एवं जिलार 814 जन आक्रांत विभिन्न कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सित होती जिले में सुस्थतार हार 92.21 रही वर्तमान निमापड़ा एनएससी कोणार्क एनएससी और पिपिली एनएससी अंचल में कौन से आक्रांत ना बेले डेलांगर 3 जन कृष्णप्रसाद 2 जन कणासर 21 जन सत्यवादी 35 जन निमापड़ 37 जन ब्रह्मगिरी 87 जन
କାକଟପୁର 49 ଜଣ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର 65 ଜଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର 162 ଜଣ ଗୋପର 114 ଜଣ ପୁରୀ ସଦରର 110 ଜଣ ଏବଂ ପିପିଲିର 130 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। पिपिलीर भूतपूर्व विधायक स्वर्गत प्रदीप महारथी महाप्रायण द्वादशाह अवसर में पुरी अन्यतम अग्रणी सामाजिक अनुष्ठान महावीर सेना पक्ष बुधवार सन्धे श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखें स्वर्गत महारथी अमर आत्मार सद्गति कामना करी एक महमबती शोभायात्रा अनुष्ठित हो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महामानव महात्मा गांधी बेशर अनुरूप सिल्वर गांधी उपस्थिति दक्षिणहारी निम्ते आकर्षण केन्द्र रही शोभायात्रा श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखर श्रीमंदिर सिंह द्वार पर्यंत जाईतिला। शोभायात्रा सेनार सभापति शुभ्रांशु कुमार युव संयोजक लोकनाथ दास एवं कोषाध्यक्ष अजय कुमार प्रधान समेत सेनार प्राय 25 जन सदस्य योगदान करथिले। विश्व महामारी कोरोना संक्रमण भयावहता को दृष्टि रखी गुरुवार दिन श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष श्रीनीलाद्री भक्त निवास परिसर में चतुर्थ पर्याय कोरोना रोग प्रतिरोधक होमियोपैथिक औषध आर्सेनिक प्रायोनिया 30 सेवक मान प्रदान आसंता 15 और 16 तारीख दुई दिन धरी सेवक मान औषध प्रदान हो प्राय 10,000 सेवक और सेना परिवारवर्ग को यह औषध बंटन व्यवस्था कर संपृक्त दिन पूर्वाहन 11 संध्या 5 पर्यंत यह औषध बंटन व्यवस्था कर प्रथम दिन में दलितापति पुष्पाक और गरापड़ सेवक निजोग समेत अन्य निजोग मानक औषध बंटन डाक्तर उमाकांत पृष्टि और डाक्तर पंचानन प्रधान प्रत्यक्ष तत्वधान सेवक मान औषध बंटन कर डॉक्टर उमाकांत पृष्टि रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम गत थर को आकलन अनुसार आम चार ये चतुर्थ पर्यायर मेडिसिन बंटा होगुर्व आम तीन पर्यायर बांटी सारी यह चतुर्थ पर्यायर आम आयोजन करुच्छू आज आसंता का दुई दिन में आम समस्त सेवायत भाई मान आमंत्रण मेडिसिन ग्रहण करेंगे सका भल भाव से सोशल डिस्टेंस मेंटेन को कोविड को नियम को मानि बहुत संख्यक आज योगदान कर मेडिसिन भी नहीं नहीं निजोग आम सोशल डिस्टेंस मंदिर प्रशासक तरफ निजोग मानक दिखाई से भाग भाग विभक्त कराई आज आसंता का युजुअली सुआर महासुआर सेवक को आज दईतापति पुष्पा गराबड़ ये निजोग मानक 11 to 5 संध्या 5 पर्यंत आम यहाँ खोलू निःशुल्क सेवा देवु आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ मंदिर प्रशासन तरफ मिलित उद्यम यहाँ दिन दे दुई दिन आम सेवा देवु डाक्टर पंचानन प्रधान मेडिकल ऑफिसर सेवायत कल्याण डिस्पेंसरी होमियोपैथिक डाक्टर अच्छे यहाँ एक्चुअली आम गोटे इम्युनिटी बढ़ावा दौ इम्युनिटी बढ़िया फल कौन हम इनफेक्शन हेनी से कथा नुहे जदि हम तेल बॉडी फाइट कर सुस्थ हम आम यहाँ आम चतुर्थ पर्यायर आज एवं काली दबू आगुरी तीनो पर्यायर देचु तार सुफल मिली जो मान इनफेक्शन होने से सुस्थ लाभ कर आमर तो अभिजन जे आम 10,000 सेवायत को दबू बोली किंतु जहाँ आम तीनो पर्यायर दे प्राय 5,000 सेवायत नहीं परिवार एवं एथर आशा करूँ आउ किछ अधिक आसी नेबे बोली मो नाम प्रभुनारायण महापात्र कामरा विश्व सेवायत ना औषध ठीक लोक इम्युनिटी बढ़ावा दिखाऊँ ये भाला स्वागत योग्य प्रस्ताव तार्थ दिखाई दिगला समस्त घर ठीक नियमकान मान चलुं तेनालीरु कि कंट्रोल भी कर ना ना आम सचेतन अच्छे यदि कौट कौन टे भूल भाटर हो आक्रांत करा तो आम कहीपर तेणु आम प्राय मैक्सीम सेवा तो भल अच्छा चले असुविधा ना आज दिन नीतिकांत भी ठीक से चलती आज मंदिर भी प्रति क्षेत्र में सेवायत अग्राधिकार दे चलती स्वास्थ्य सचेतनता अच्छी ना ना मंदिर इन्हें खोल ठीक नुह मंदिर कार्तिक मस पर खोलू तार सब नियमकानून मानी सोशल डिस्टेंस मानी मास्क फास्क सब सब नियमकानून मानी कोविड तार खोल ठीक हम डिसेंबर मस कार्तिक मस नुह नवेम्बर मस नु डिसेंबर मस श्रीमंदिर चतुपार्श्वर 75 मीटर मध्ये सौंदर्यकरण आरंभ करा जिवो तेबे संपृक्त भूमि गत 1 वर्ष रु ऊर्ध समय उच्छेद संपूर्ण हो पारे नहीं।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚୌର ଛକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କପାଳ ମୋଚନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ପ୍ଲଟକୁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ କରାଯାଇ ଯାନବାହନର ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। शारदीय दुर्गापूजा काकटपुर अधिष्ठाता ठाकुराणी माँ मंगला सिंहवाहिनी बेश पुरी चलती सिंहमूर्तिर निर्माण कार्य स्थानीय पथुरिया साहर जातीय पुरस्कार प्राप्त स्थपति अशोक कुमार महापात्र मूर्ति निर्माण करंबारीघाटे 4.5 फुट उच्चर सिंहमूर्ति चली शिल्पी अशोक ए संपर्क सूचना प्रदान करकटपुर मंगला मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्षर सेप्टेम्बर 19 तारीख में अर्डर मिलता बर्तमान कम शेष पर्यायर पहुंची एय 7.5 घन फुट काठ लगी महासप्तमी दिन मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାକଟପୁର ନେବେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଅଶୋକ ପ୍ରାୟ 3.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏକ ବୁଦ୍ଧଲୀଳା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 2003 ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ କାନାଡ଼ା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଶିଳ୍ପୀ ଅଶୋକ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଓ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଭଳି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ କଟକଣା। ଦେବାଳୟ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ହୋଟେଲରେ କନଫରେନ୍ସ ଆଦି ଉପରେ କୋଭିଡର ପ୍ରହାର ଚାଲିଛି। ଅନଲକ୍ ପରେ ବି ଏହିସବୁ କଟକଣାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଫୁଲ ହେଉଛି ଦେବାଳୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହା ସମେତ ଏବେ ପୂଜା ମେଢ ଉପରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବାହାରର ସାଜସଜ୍ଜା ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ଫୁଲ ବେପାର ପ୍ରାୟତଃ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫୁଲ ଆସିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିଲା। ଏହି କଟକଣା ବି ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ, ଦେବାଳୟରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଆଦି ସମାବେଶଠାରୁ ଲୋକେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗତ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଫୁଲ ବେପାରୀ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଲେଣି ବୋଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ଫୁଲ ବେପାରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆପଟ କହିଛନ୍ତି। ମେଳା ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡର, ମୋ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆପଟ। ପାର୍ବଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ବେପାର ଟୋଟାଲ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେପାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏଥର ଟୋଟାଲ ବେପାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବେପାର ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ହେଲେ 2000-3000 ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏଇନେ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀ 150-200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ସହିବ ଏ ପୂଜା ପର୍ବଣଟା ଖାଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ପଇସା ରଖୁଥିଲୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି କାରିଗର ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ତ ନିଜ ବେପାର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ? ତ ସରକାର ଯଦି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଶିଳ୍ପ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତା। ବେପାର ନଥିବାରୁ ଫୁଲ ବେପାରୀ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଫୁଲ ବେପାରୀ ଗଣେଶ ରଣା। ଶାରଦୀୟ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଆହୁରି ଦୁର୍ଦିନ ଆଣିଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫୁଲ ବେପାରୀ ଗୋପାଳ ରଣା। ଏଭଳିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦୋକାନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ପ୍ରମୁଖ ଫୁଲ ବେପାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବେପାର କ୍ଷତିର ଆକଳନ କେହି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ପାରମ୍ପରିକ ଫୁଲ ଅଳଙ୍କରଣ କଳା ଏହି କାରଣରୁ ବିପଦମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମେଢ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ଦେବାଳୀରେ ଫୁଲମାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗ ବଞ୍ଚିଲେ ତେଣିକି ଫୁଲ ଅଳଙ୍କରଣ କଳା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବୁ ବୋଲି କିଛି କାରିଗର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
नरसिंह पुष्पभंडार मेडिकल छेक आर्तमान व्यवसाय पत्र ये रु बहुत एने के खराब अच्छी आल फुल प्राय सेलिंग ना प्राय लोकसान हो फुल एने के आपार पत्र आमर जहाँ देख लु अवस्था आर वर्ष टू वर्ष बहुत मान चाण परसेंट व्यवसाय भी होनी भारी असुविधा रोचु पड़ू डेली आम हजार देढ़ हजार टाँग बेपार है एने बर्तमान 200-300-400 एमती बेपार हो जो कथा बेपार पत्र चलिया कष्ट रोचे आमको पिला पेमेंट बहुत कम पैसा इन्हें दौर पे बहुत पिलाने थे पलिंट एम दु तीन जन चार जन मात्र रोचे जो कथा देखिकी आप जमी व्यवस्था चलती जहाँ ठाकुर जगन्नाथ जहाँ बराद थोड़ा सै देखा मो ना भागीरथ राणा मोर फूल दोकान है श्री गणेश पुष्प भंडार आमर यही दोकान 1983 मसीह लोन सी लोन यहाँ करें आम हरा हरी 7.5 लाख टाँचा लो संभा सारे कलिकता महाजन जो बाहर मार्च मस अदा पर्यटन जो आम बेपार चली महाजन कलिकता महाजन जो पैसा माल देता सी हरा हरी 4.5 लाख टाँचा आम पाइबार कितु से पैसा आम ये सटडाउन लकडाउन भितर निजर पारिवारिक गुजरा मेटे स्टाफ किसी दबार ये सब लस बर्तमान किसी ना कह चले आम हाराहारी शतकड़ा 10% बेपार कर 90% आम माल बगिचा माल प्रडक्शन ये बाहर सी भी आम शाग माछ दर लोक दौर सी भी लोक ना सी भी पोता सुकुटा होकर फिंगा हो कारबार ना आम प्रशासन को यह अनुरोध करुच्छू जे आमर जदि श्री जगन्नाथ मंदिर खोल जाता तेल आमर जो जगन्नाथ उद्देश्य आम जो चाष कर फुल फुल ये सब लग कि पर लगे आम कुटुंब परिचालन कर विवाह और व्रत प्रणयन समेत समस्त उत्सव और पर्वपर्वाणी निम्ते समस्त प्रकार लुगा धोती पाट और संबलपुरी साड़ी समेत समस्त प्रकार आधुनिक डिजाइनर साड़ी सुलभ दर में पाइबा निम्ते निर्भरजोग्य प्रतिष्ठान टेक्सटाइल रामचंद्र साहि पुरी फोन नंबर 06752-297489 मोबाइल नंबर 9437014889 706409462
ଏତଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବାସଗୃହ ବା ଦୋକାନ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲାକୁ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବର୍ଜନାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସହର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ଗର୍ବିତ ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିବେଦକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।